व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और यहां पर गाइस सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई ना कोई मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अपना आधार कार्ड अपने ही मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो। और यहां पर गाइस मैं एकदम नया और सबसे आसान तरीका लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। लेकिन गाइस अगर आपका मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा रखा है, तब भी गाइस आपको इस वीडियो में पूरा सलूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को गाइस एंड तक देखना, काफी मजा आएगा। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए गाइस आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर। तो यहाँ पर चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है गाइस, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। और अगर गाइस पीसी या लैपटॉप को यूज कर रहे हैं आप, तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको थ्री डॉट पर जाना है कॉर्नर में, और डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है सबसे पहले। तो इससे होगा क्या गाइस, आगे जो भी आप प्रोसेस करोगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देख सकते हो डेस्कटॉप साइट इनेबल हो चुका है। इसके बाद आपको सर्च बार पर टैप करना है, और यहाँ पर गाइस UIDAI ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। जैसे गाइस सर्च करोगे, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर गाइस ये जो पेज है वो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। गाइस अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो आप यहाँ से कॉर्नर में देख रहे होंगे गाइस, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल गाइस मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस ये पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है गेट आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस क्लिक कर दोगे, यहाँ पर इस वेबसाइट का अगला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे गाइस आपको करना क्या है, गेट आधार के नीचे आपको चार ऑप्शंस मिल जाते हैं, चौथा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शंस तो कई सारे हैं गाइस, लेकिन आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन होगा। इस पेज पर गाइज आपको तीन तरीके से गाइज आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास आधार नंबर है तो इसके जरिए, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी के जरिए भी कर सकते हैं, और साथ ही वर्चुअल आईडी को लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल गाइज मैं आपको आधार नंबर से डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपको एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी को लेकर पता करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं अगले वीडियोस में आपको जरूर से बता दूंगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देता हूँ। आधार नंबर फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड मिलता है, वो भी आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP, ओके गाइस इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो ऊपर आपको बताया गया है कि आपका जो OTP है वो सक्सेसफुली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो जैसा कि मैंने गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, तो यहाँ पर गाइस OTP हमें मिल चुका है। और जैसा कि गाइस मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ही चाहिए आपके आधार नंबर से लिंक, तभी आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो इस वीडियो में भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे जो OTP आया है सबसे पहले वो फिलअप करते हैं। OTP फिलअप करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक सर्वे मिलता है, टेक क्विक सर्वे। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कोई भी टाइमलाइन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे चलिए मैं नॉट ऑर्डर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं करनी है। उसके बाद नीचे आपके एक ऑप्शन मिलता है गाइज वेरीफाई एंड डाउनलोड, यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज डायरेक्टली आपको कुछ इस तरीके से प्रोसेस नजर आएगा, और ये गाइज प्रोसेस डाउनलोड करने का है। यहाँ पे गाइज आपको करना क्या है, डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से गाइज इसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं कि आप कहाँ पर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस समझते हैं। अब आती है गाइज सबसे जरूरी बात। तो यहाँ पे गाइज जैसे आप डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है गाइज। तो यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, अपने नाम के चार लेटर कैपिटल में डालने हैं गाइज। ये करने के बाद गाइज अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है ना, साल, जैसे गाइज एग्जांपल के लिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/7/2002, तो मुझे यहाँ पर 2002 ही केवल डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद ये जो पासवर्ड है वो हो चुका है कम्प्लीट। और ये गाइज वेबसाइट का ऑफिशियल पासवर्ड होता है कि आपको अपने नाम के चार लेटर कैपिटल में डालने हैं, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है।
उसके बाद आप जैसे ओपन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ भी देख सकते हो पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप किसी का भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा हो और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो और ऐसे ही कमाल के वीडियोस आगे भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।